Good morning students and welcome to online lecture of Sharadhi Mohan English School. So today I am going to teach you history 7th chapter, that is non-cooperation movement. Okay. So till Champarak Satyagraha we have completed. So today I am going to start from Kheda Satyagraha. Due to constant famine in Kheda district, Gujarat, the crop had failed. Still, land tax was forcibly collected by the government. Yes. So, what is in Khera Satyagraha? देखो, अब जैसे हम लोगों ने चंपारण सत्याग्रह देखा था ना, तो वैसे ही क्या है खेड़ा सत्याग्रह. तो खेड़ा सत्याग्रह में क्या हुआ था, देखो फेमाइन. फेमाइन तो आपको पता है ना, खाना नहीं मिलता है प्रॉपर, फिर से ही हो जाती है, बहुत वीकनेस आ जाती है बॉडी में, राइट. तो ये जो फेमाइन है वो कहाँ पर हो गया था, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में हो गया था, जो कहाँ पर था, गुजरात में. और वहाँ पे जो क्रॉप्स कल्टीवेट की गई थी वो भी क्या हो गई थी, फेल हो गई थी. देखो क्रॉप फेल होने के बाद भी वहाँ के जो पीजेंट्स है, जो फार्मर्स है, उनसे फोर्सफुली क्या कलेक्ट किया जाता था, जो टैक्सेस लगी हुई होती थी वो कलेक्ट किया जाता था. मतलब जो लैंड टैक्स होता था वो उनसे फोर्सली लिया जाता था, कलेक्ट किया जाता था. गांधी जी सजेस्टेड दैट द फार्मर शुड रिफ्यूज टू पे द टैक्स. यस, तो गांधी जी ने उनको क्या सजेस्ट किया फार्मर्स को, कि वो जो टैक्स उनके ऊपर जो फोर्स कर रही है गवर्नमेंट, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट उनके ऊपर फोर्स कर रही है टैक्सेस पे करने का, तो गांधी जी ने उनको बोला फार्मर्स को, पीजेंट्स को, कि वो रिफ्यूज़ कर दो आप उसको, मतलब उसको पे मत करो. द फार्मर बिगेन द मूवमेंट फॉर स्क्रैपिंग ऑफ टैक्स एट खेड़ा इन 1918. यस, तो जो फार्मर्स है, तो फार्मर्स ने क्या किया, द फार्मर्स बिगेन द मूवमेंट फॉर स्क्रैपिंग. मतलब जो ऑब्वियसली वो उन लोगों ने जो टैक्सेस उसको स्क्रैप करना स्टार्ट कर दिया वहीं पर, मतलब खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में 1918 में. ओके, मतलब जो फार्मर्स, उन लोगों ने एक मूवमेंट स्टार्ट किया जिसमें उन लोगों ने क्या किया, जो टैक्सेस उसको स्क्रैप करना स्टार्ट कर दिया था 1918 में. यस, सो 1918 में हुआ ये, राइट, ये मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ था फार्मर्स का. आफ्टर दैट गांधी जी एक्सेप्टेड द लीडरशिप ऑफ दिस मूवमेंट. यस, तब गांधी जी ने क्या किया, देखो उनको मतलब लीडरशिप दी गई थी वो मूवमेंट की, जो फार्मर्स जो मूवमेंट स्टार्ट किया था ना टैक्सेस को स्क्रैप करने का, तो गांधी जी को उसमें क्या मतलब क्या दी गई, लीडरशिप दी गई. तो गांधी जी ने भी वो लीडरशिप को एक्सेप्ट कर लिया. ओके, विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम द गवर्नमेंट सस्पेंडेड द टैक्स. यस, तो देखो क्या वो मतलब कुछ ही टाइम के बाद, जब ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो उसी के बाद क्या हुआ, वो जो गवर्नमेंट ने जो टैक्सेस लगाई थी तो उसको क्या कर दिया गवर्नमेंट ने, सस्पेंड कर दी. ओके, यस, सो जो टैक्सेस लगी थी उसके ऊपर, लैंड के ऊपर, फार्मर के ऊपर, तो उसको क्या कर दिया गया था, सस्पेंड कर दिया गया था. सस्पेंडमेंट कुछ टाइम के लिए वो टैक्सेस को बंद कर दिया गया था. ओके, मतलब बाद में वापस से स्टार्ट वो कर दिया होगा, बट एट दैट टाइम वो क्या हो गया था, सस्पेंड हो गया था. नाउ नेक्स्ट वन इज वर्कर्स मूवमेंट एट अहमदाबाद. ओके, ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर देयर वॉज ग्रेट इन्फ्लेशन. मिल वर्कर्स डिमांडेड फॉर राइज इन सैलरी, बट द मिल ओनर रिजेक्टेड दिस डिमांड. यस, अब देखो जो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी वर्ल्ड में, तो वो जो पीरियड था ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, देयर वॉज ग्रेट इन्फ्लेशन. मतलब वो टाइम पे क्या हो रहा था, बहुत इन्फ्लेशन हो रहा था, राइट. और जो मील वर्कर्स है वो किस चीज़ की डिमांड कर रहे थे, दे वॉन्ट टू इंक्रीज देयर सैलरी. मतलब वो उनकी सैलरी को इंक्रीज करने की डिमांड कर रहे थे. बट जो मील के ऑनर थे, राइट, जो जिनकी मील थी, राइट, अ पर्सन हु इज दिस मील, उनकी जिनकी मील थी, तो वो क्या कर रहे थे, उनकी डिमांड को रिजेक्ट कर रहे थे वर्कर्स की. सो एज पर गांधी जी एडवाइस द वर्कर वेंट ऑन हंगर स्ट्राइक. यस, तो वह यहाँ पर भी क्या किया, गांधी जी ने एडवाइस दिया, जैसे अभी हम लोग ने लास्ट जो हमारा टॉपिक था वो पढ़े, उसमें भी गांधी जी ने एडवाइस दिया था, राइट. तो यहाँ पर भी क्या किया, गांधी जी ने एडवाइस दिया वर्कर को कि वो क्या करे, स्ट्राइक करे. स्ट्राइक मतलब हड़ताल करे, हंगर स्ट्राइक मतलब भूख हड़ताल करे. ओके, सो फाइनली द मिल ओनर हैड टू बैक ऑफ एंड द सैलरी ऑफ वर्कर वॉज इंक्रीज. यस, तो ऑब्वियसली जो ओनर्स थे वो बहुत ज़्यादा मतलब वो जो मिल वर्कर्स थे उनसे हार गए थे, और उन्होंने क्या किया था, जो उनकी सैलरी थी उनको इंक्रीज कर दिया था. मतलब जो वर्कर्स थे जो डिमांड कर रहे थे उनकी सैलरी को इंक्रीज करने की, तो उन सबकी सैलरी क्या कर दी गई थी, इंक्रीज कर दी गई थी. ओके, नाउ नेक्स्ट, सत्याग्रह अगेंस्ट
Rowlatt Act. Okay. In the First World War, the Indian had helped the British. The Indian felt that after the World War is over, there will be a system of governors for taking decision for well-being of the Indian. Yes, अब देखो, जब First World War हुई थी वर्ल्ड में, तो जब इंडियंस जो थे, right, इंडियंस के जो पीपल थे, उन लोगों ने किसको हेल्प की थी? ब्रिटिश को हेल्प की थी, क्योंकि हमारे कंट्री ब्रिटिश के अंडर में था, लेकिन ये जो वॉर हो रही थी ये तो दूसरों से हो रही थी, राइट right? तो इसीलिए क्या किया था, इंडियंस जो थे वो लोगों ने हेल्प किए थे ब्रिटिश की, और उन लोगों को क्या लगा था आफ्टर हेल्प हेल्प करने के बाद उनको क्या लगा था, मतलब वर्ल्ड वॉर जैसे फिनिश हो जाएगी तो जो सिस्टम है उनका, गवर्नेंस का जो सिस्टम चल रहा है उनकी कंट्री में, मतलब वो हमारी कंट्री में पहले, तो वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और मतलब अच्छा कोई इसका रिजल्ट निकलेगा, मतलब वो ऑब्वियसली उन्होंने हेल्प करे इंडियन पीपल ने ब्रिटिश की, तो अब उनके साथ वो बुरी तरीके से ट्रीट नहीं करेंगे, ऐसा लग रहा था किसको, जो इंडियंस से उनको, और जो इंडिया जो गवर्नमेंट जो गवर्नेंस सिस्टम है हमारी कंट्री का, वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, मतलब वो इंडिया के जो पीपल है इंडियंस जो है उनके बारे में सोच, मतलब सोच साझ के उनका जो सिस्टम है वो बनाएगा. देयर वॉज ग्रोइंग अनरेस्ट अमंग द इंडियन रिगार्डिंग द इंक्रीजिंग प्राइजेस टैक्सेस एक्सेट्रा. बट देखो क्या हो गया, जो जो भी प्रोडक्ट थे हमारी कंट्री में वो टाइम पर, तो वो जो प्रोडक्ट थे तो उन लोगों की प्राइस क्या कर दी थी गवर्नमेंट ने, बढ़ा दी थी, उसके पर ज़्यादा से ज़्यादा टैक्सेस लगा दी थी, मतलब उन लोग ने उनको अंडरस्टैंड नहीं किया उनकी हेल्प करने के बाद ही, ब्रिटिश की जो ब्रिटिश थे उन्होंने जो हमारी कंट्री के पीपल थे उनको अंडरस्टैंड नहीं किया. सो टू सप्रेस दिस डिसकंटेंट एंड टू सजेस्ट मेजर अबाउट इट, अ कमिटी वॉज अपॉइंटेड अडर सैयद नी रॉलेट. अकॉर्डिंग टू रिकंसिडरेशन ऑफ दिस कमिटी, अ न्यू लॉ वॉज पास विदाउट कंसिडरिंग द अपोजिशन ऑफ इंडियन मेंबर इन सेंट्रल लेजिस्लेचर असेंबली ऑन 17 मार्च 1919. यस yes, अब देखो ये सारे क्या हो रहा है, इससे क्या हो रही है, डिसकंटेंट हो रही है ना, मतलब अब वापस से क्या हो रहा है, इंडिया सॉरी जो इंडियंस है उनके और जो ब्रिटिशर्स है, जो ब्रिटिश है उन लोगों के बीच में डिसकंटेंट आ रहा है. तो अब ये चीज़ों को सॉल्व करने के लिए, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या सजेस्ट किया गया था, एक कमेटी रखी अपॉइंट की गई थी. ओके किसके अंडर में रखी गई थी, सर सैयद नी रॉलेट, इनके अंडर में एक कमेटी रखी गई थी. अब उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ था, देखो मतलब एक न्यू लॉ पास किया गया था जिसके अंदर क्या कंसिडर किया गया था कि जो अपोजिशन है इंडियन मेंबर्स की, जो अपोजिशन है लेजिस्लेटिव असेंबली में उनके लिए किया गया था, मतलब वो ये जो लॉ पास हुआ था, तो ये कब हुआ था, ऑन 17 मार्च 1919. दिस लॉ यस ऑब्वियसली ये लॉ किसके थ्रू, किसकी लीडरशिप के अंडर में पास हुआ है, सर सिडनी रॉलेट के, है ना. तो ये जो लॉ है तो उसको नेम भी किसका दिया गया था, रॉलेट एक्ट दिया गया था. ओके This act gave the right to the government to arrest anybody without any warrant or imprison without any trial. Yes, अभी देखो ये act की वजह से क्या होता था, this act gave the right. ये act से क्या मिली थी, right मिली थी government को कि वो किसी भी बंदे को, मतलब कोई भी person को बिना किसी arrest warrant के क्या कर सकती है, उनको arrest कर सकती है और उनको imprison, मतलब उनको सज़ा दे सकती है बिना कोई trial के. Okay. Appeal was prohibited against the punishment given through this act. Yes, तो देखो अब ये act के against में क्या appeal की गई थी कि ये जो चीज़ें हो रही है, मतलब ये जो act में जो चीज़ें थी, तो ये क्या कर दिया जाए, prohibit कर दिया जाए, मतलब इसको बंद कर दिया जाए, मतलब against the punishment given through this act, मतलब ये जो act के through जो punishment मिल रहा था, मतलब बिना कोई किसी crime के किसी को भी arrest कर लेना, किसी को भी imprison कर देना, है ना, तो ये इसको क्या कर देना था, प्रॉबिट कर देना चाहिए था. ओके ये सारे पनिशमेंट को, द इंडियन कॉल दिस एक्ट एज ब्लैक एक्ट. ऑब्वियसली अब जो इंडियन पीपल को इसकी वजह से फेस करनी पड़ी थी प्रॉब्लम, तो इंडियन पीपल्स ने ये वाले एक्ट का क्या नेम दिया था, ब्लैक एक्ट. एंड अ टाइड ऑफ एंगर अराउज ऑल ओवर इंडिया अगेंस्ट दिस एक्ट. ऑब्वियसली ये एक्ट की वजह से ऑल ओवर इंडिया में, मतलब ऑब्वियसली सब किससे हो गए, सबके अंदर एंग्रीनेस बढ़ गई, गुस्सा बढ़ गया सबका, और मतलब ये जो चीज़ है, मतलब ये जो ब्लैक एक्ट है, तो इसके बारे में सबको पता चल गया था. ओके गांधी जी लॉन्च अ सत्याग्रह अगेंस्ट इट. यस अब यहाँ पे भी गांधी जी ने क्या किया, ये सारी चीज़ों को रोकने के लिए गांधी जी ने यहाँ पर भी सत्याग्रह लॉन्च किया ब्रिटिश के अगेंस्ट में. ऑन 6 अप्रैल 1919 ही अपील टू द इंडियन टू फॉलो हड़ताल ऑल ओवर इंडिया अगेंस्ट दिस एक्ट. ओके मतलब देखो अभी एक पर्टिकुलर इन चीज़ों को लेकर ही हड़ताल हो रही थी, लेकिन अब गांधी जी ने क्या बोला, मतलब ऑन 6 अप्रैल 1919 में क्या अपील की गांधी जी ने,
मतलब जितने भी इंडियंस हैं हमारे कंट्री में, तो वो सब क्या करेंगे, क्या फॉलो करेंगे, हड़ताल फॉलो करेंगे ये एक्ट को रोकने के लिए. ओके, इंडियन रिस्पॉन्डेड टू दिस अपील ऑन अ लार्ज स्केल. ऑब्वियसली गांधी जी के बोलने के बाद मतलब बहुत सारा उनको अच्छा रिस्पॉन्स मिला था और बहुत सारे लोग जो थे मतलब हमारी कंट्री में, तो वो मतलब स्ट्राइक पर बैठे थे, हड़ताल पर बैठे थे. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज जलियांवाला बाग मैसेज. द मूवमेंट दैट अराउज्ड अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट टुक ओवर अ फाइट्स ऑफ फॉर्म इन अ प्रोविंस ऑफ पंजाब. यस, अब देखो ये जो मूवमेंट चल रहा था कौन सा वाला, रॉलेट एक्ट वाला ना, तो ये बहुत डेंजर वे से क्या हो गया था, सब जगह स्प्रेड हो गया था. तो ये जो मूवमेंट था, द मूवमेंट दैट अराउज अगेंस्ट द रॉलेट, मतलब ये जो जलियांवाला बाग है ना, तो ये किसके अगेंस्ट, ये मूवमेंट के अगेंस्ट में, रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में स्टार्ट किया गया था, जो बहुत बुरी तरीके से क्या हो गया था, पंजाब में स्प्रेड हो गया था. मतलब पंजाब में रॉलेट एक्ट तो चल ही रहा था, लेकिन अब वहाँ पे उसके अगेंस्ट में जो चीज़ें स्टार्ट की गई थी उसको स्टॉप करने के लिए, वो मूवमेंट कौन सा था, जलियांवाला बाग, है ना. अमृतसर बिकेम द मेन सेंटर ऑफ दिस मूवमेंट. अब देखो ये सेंटर का सबसे मेन जो सेंटर था, ये कहाँ पे स्टार्ट हुआ, ये वाला मूवमेंट पंजाब में स्टार्ट हुआ है. तो ये जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ है पंजाब में, तो उसका मेन सेंटर कौन सा था, अमृतसर था. द गवर्नमेंट हैड स्टार्टेड द स्पेट ऑफ सेपरेशन. गांधी जी वॉज प्रोहिबिटेड फ्रॉम एंटरिंग द प्रोविंस ऑफ पंजाब. जनरल डियर इश्यू ऑर्डर ऑफ बैन ऑन पब्लिक मीटिंग इन अमृतसर. इम्पॉर्टेंट लीडर लाइक डॉक्टर सत्यपाल एंड डॉक्टर खिचेलू वेयर अरेस्टेड फॉर देयर इन्वॉल्वमेंट इन अमृतसर हड़ताल केस. यस, अब देखो क्या हो गया था, ऑब्वियसली ब्रिटिश गवर्नमेंट का तो रूल चल गया था हमारी कंट्री में, है ना. तो गांधी जी ने क्या किए, फर्स्टली ये इसका सेंटर पॉइंट था अमृतसर. फिर उसके बाद क्या हुआ, देखो द गवर्नमेंट हैड स्टार्टेड, मतलब गवर्नमेंट ने क्या स्टार्ट कर दिया था, स्पेट ऑफ सप्रेशन ये स्टार्ट कर दिया था, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट है ना, मतलब जो जो ये चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहा है, तो लोगों के साथ बुरी तरह से बिहेव करना, उन लोगों को अरेस्ट करना, ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो गई थी. सो गांधी जी प्रोहिबिट फ्रॉम एंटरिंग द प्रोविंस ऑफ पंजाब. तो गांधी जी ने क्या प्रोहिबिट कर दिया, मतलब जो इंटर हो रहे पंजाब प्रोविंस से, वो उन्होंने प्रोहिबिट कर दिया था, बंद कर दिया गया था. ओके, और जो जनरल थे वहाँ के एट द टाइम, जो अमृतसर के पंजाब के जो जनरल थे डीआर, तो उन्होंने क्या इशू कर दिया था, इशू ऑर्डर ऑफ बैन ऑन पब्लिक, मतलब जैसे पब्लिक मीटिंग होती थी वो टाइम पे, क्या होता था, एक ग्रुप फॉर्म होता था, फिर एक पर्टिकुलर प्लेस पे लोग मीटिंग करते थे कि हम लोग ब्रिटिश से कैसे फ्रीडम ले. तो वो सारी जो भी मीटिंग उन लोगों की होती थी तो पब्लिक प्लेसेस पे, राइट, तो वो सारी मीटिंग के ऊपर क्या लगा दिया गया था, बैन लगा दिया गया था अमृतसर में. और जो इम्पोर्टेंट लीडर्स थे लाइक सत्यपाल और डॉक्टर खिचेलू, तो इन दोनों को क्या कर दिया था, अरेस्ट कर दिया गया था. उन लोगों के ऊपर ब्लेम क्या लगाया था, क्या ये इन्वॉल्व थे, ऑब्वियसली ये थे उसके अंदर, लेकिन ये एक रीज़न मिल गया उन लोगों को, ब्रिटिश को उनको अरेस्ट करने का, कि ये कहाँ पर इन्वॉल्व थे, जो अमृतसर में हड़ताल केस, हड़ताल चल रहा था उसमें इन्वॉल्व थे. सो एज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस, ऑन 13 अप्रैल 1919 ऑन अ बैसाखी डे, द पीपल ऑफ अमृतसर असेंबल एट अ प्लेस नेम जलियांवाला बाग. यस, सो देखो अब एज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस, अब ये सारी चीज़ों से प्रोटेस्ट होने के लिए 13 अप्रैल 1919 को, जो कि कौन सा डे था, बैसाखी था, बैसाखी थी मतलब फेस्टिवल, थी द फेस्टिवल ऑफ पंजाब, है ना, पंजाबी पीपल का फेस्टिवल है. तो उस दिन क्या था, बैसाखी थी. ओके, तो सारे जो पीपल से वो कहाँ पे असेंबल हुए थे, कहाँ पे गैदर्ड हुए थे, एक जलियांवाला बाग के प्लेस है अमृतसर में, तो वहाँ पे सब गैदर्ड हुए थे, असेंबल हुए थे. ओके, जनरल डियर अराइव विथ आर्म फोर्स. द प्लेस वॉज इनक्लोज्ड फ्रॉम ऑल साइड एंड हैड ओनली वन स्मॉल गेट. जनरल डियर पोजिशन हिज आर्मी एंड क्लोज डाउन द ओनली गेट. यस, अब जैसे मतलब जो जनरल थे पंजाब के, तो उनको जैसे पता चला जनरल डियार को कि ऐसे ऐसी चीज़ हो रही है ना, तो मतलब जो इंडियन से वो अपने आप को प्रोटेस्ट कर रही है सारी चीज़ों से, और वो कहाँ पर हो रही है सारी चीज़ें जलियांवाला बाग में, तो जनरल डियार जो थे वो पूरी आर्म फोर्स के साथ वो वहाँ पर चले गए, और उन्होंने उसका पूरा जो साइड का जो एरिया होता है उसको कवर कर लिया था. द प्लेस वॉज एनक्लोज फ्रॉम ऑल साइड, मतलब सारी साइड से उसको कवर कर लिया गया था. एंड हैड ओनली वन गेट, ऑब्वियसली और जो गेट जलियांवाला बाग था उसका क्या था, एक स्मॉल गेट था, और वहाँ पर भी उन्होंने जो जनरल थे, जनरल डियार, उन्होंने अपनी पोजिशन लेके रखी हुई थी. ओके, वो गेट के एकदम क्लोज में ही थे. विदाउट गिविंग एनी प्रियर
नोटिफिकेशन टू द डिसआर्म इनोसेंट पीपल ही ऑर्डर हिज सोल्जर टू फायर। देखो अभी वहाँ पे कितने सारे लोग गैदर हुए थे ना पंजाब के अमृतसर के, तो बिना किसी नोटिफिकेशन के बिना किसी अनाउंसमेंट के उन्होंने क्या किया, वहाँ पर जो उनके सोल्जर्स से जो अपने जनरल डीआर के जो सोल्जर्स से उनको उन्होंने क्या वो दे दिया, ऑर्डर दे दिया कि इनके ऊपर क्या करो फायरिंग स्टार्ट कर दो। ऑब्वियसली वो सारे पीपल कैसे थे, इनोसेंट थे, तो उनके ऊपर बिना कोई रीज़न के उन्होंने क्या करने लग क्या लग क्या करने का ऑर्डर पास कर दिया, फायर करने का ऑर्डर पास कर दिया था। द आर्मी कंटिन्यू फायरिंग अंटिल द एम्यूनिशन वॉज ओवर। इन दिस मेसरे अबाउट 400 पीपल इंक्लूडिंग मैन एंड वुमेन वे आर किल्ड। यस, तो अभी ये जो फायरिंग जो चल रही थी वो कंटिन्यू चल रही थी, ओके जब तक कि उन लोगों के पास जो भी चीज़ें थी, मतलब जब तक ही थी तब तक ही वो फायरिंग उनकी कंटिन्यू चले जा रही थी। और इस चीज़ में 400 पीपल्स इंक्लूडिंग मैन एंड वुमेन, मतलब जो मैन और वुमेन थे दोनों मिलाकर कितने 400 पीपल जो थे वो क्या हो गए थे, किल्ड हो गए थे, मतलब डेड हो गए थे, ओके। और मेनी पीपल वे आर वॉन्टेड, मतलब और बहुत सारे जो पीपल थे वो वॉन्टेड में जख्मी हो गए थे। आफ्टर फायरिंग कर्फ्यू वॉज अनाउंस एंड हैंस इमीडिएट ट्रीटमेंट टू द इंजर्ड कुड नॉट बी मेड अवेलेबल। ये सब देखो फायरिंग करने के बाद इतने सारे लोगों को मारने के बाद वहाँ पे जैसे ही फायरिंग फिनिश हुई, जैसे सब लोग मर गए कुछ इंजर्ड हो गए, तो उसके बाद क्या किया उन लोगों ने, गवर्नर ने क्या किया, जनरल ने क्या किया, वहाँ पे ये ऑर्डर पास कर्फ्यू का ऑर्डर पास कर दिया। अब कर्फ्यू का ऑर्डर पास करने के बाद जो इंजर्ड पीपल थे उन लोगों को ट्रीटमेंट की फैसिलिटी नहीं मिल पा रही थी, ऑब्वियसली अब कर्फ्यू लग गया तो वो कहीं जा नहीं सकते। सो इन एंटायर पंजाब मिलिट्री लॉ वॉज इन्फोर्स्ड एंड मेनी वेर सेंट टू जेल बाय द गवर्नमेंट। यस, अब देखो पूरे पंजाब में क्या हुआ था, एक मिलिट्री लॉ एनफोर्स कर दिया गया था जिसमें क्या था जो भी मतलब लोग थे तो उन लोगों को कहाँ पे सेंड कर दिया गया था, जेल में। जनरल माइकल ओडाविया गवर्नर ऑफ पंजाब वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मैसर। मतलब देखो ये जो गवर्नर है पंजाब के कौन थे वो टाइम पर, माइकल ओडाविया, राइट। तो ये जितना भी इवेंट हुआ था जलियांवाला बाग में और मैस्कर में, तो इसका ये इवेंट का कौन रिस्पॉन्सिबल था, खाली ये जो गवर्नर जनरल थे ये रिस्पॉन्सिबल थे, राइट। मतलब ये ऑर्डर पास कर रहे थे तभी जाके इसको फॉलो कौन कर रहा था अमृतसर में, जनरल डीआर पास कर रहे थे, राइट। All over India, there was protest against this act. As a protest against this massacre, Rabindranath Tagore gave away the title of Sir bestowed on him by the British government. Yes, so देखो जब ये सारी problems चल रही थी तो सारे जो Indian के people से वो क्या कर रहे थे, अपने आप को protest कर रहे थे ये act के against में। और as a protest against this massacre, Rabindranath Tagore, मतलब ये सब जब हो रहा था जब Rabindranath Tagore ने क्या किया था, गेव अवे द टाइटल ऑफ सर, मतलब उनको जो टाइटल मिला था सर का तो उन्होंने ये टाइटल को छोड़ दिया था, गेव अवे कर दिया था, ओके। एंड बेस्टो ऑन हिम बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट लेटर इंडियन डिमांडेड फॉर इंक्वायरी ऑफ दिस माइसोर हैंस द ब्रिटिश गवर्नमेंट कमीशन। यस, फिर बाद में जो इंडिया के जो पीपल थे मतलब जो बड़े बड़े लोग थे उन लोगों ने क्या डिमांड की, मतलब ये जो हुआ है जलियांवाला बाग में जो इंसिडेंट्स हुआ है तो इसके ऊपर इंक्वायरी निकालने का बोला उन्होंने। तो इंक्वायरी निकालने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किसको अपॉइंट किया, हंटर कमीशन को अपॉइंट किया था, ओके। मतलब ये जो माइकल जो जनरल है माइकल और डैमनर, राइट, तो ये वन पर्सन है जो ये सारे जो भी जलियांवाला बैग में जो इंसिडेंट्स हुआ था ये किसके वजह से हुआ था, उन्हीं के वजह से हुआ, ओके। नाउ नेक्स्ट वन इज खिलाफत मूवमेंट, ओके। मुस्लिम ऑल ओवर द वर्ल्ड रिटर्न रिगार्डेड द रूलर ऑफ तुर्की। ये सब देखो खिलाफत मूवमेंट में क्या है, मुस्लिम्स जो थे राइट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड वो क्या कर रहे थे, दे आर रिगार्डेड द रूलर ऑफ तुर्की, वो किसको रिगार्ड कर रहे थे, जो रूलर थे तुर्की के उनको एज ए रिलीजियस लीडर, मतलब उनको क्या दे रहे थे, वो उनको रिलीजियस लीडर बना रहे थे उनको। ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तुर्की फाउट अगेंस्ट द ब्रिटिश। यस, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी तो ये टाइम पर
जो तुर्की थी, तुर्की जो कंट्री राइट, तो वो तुर्की ने किसके अगेंस्ट में फाइट की थी? ब्रिटिश के अगेंस्ट में फाइट की थी। टू गेट द सपोर्ट ऑफ द इंडियन मुस्लिम इन द वॉर, द ब्रिटिश हैड अश्योर्ड दैट आफ्टर द एंड ऑफ द वॉर खिलाफा एम्पायर विल नॉट बी हार्म। बट आफ्टर द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर वन इंग्लैंड डिड नॉट स्टिक इन दिस टू इट्स अश्योरेंस। यस, तो देखो अब ऑब्वियसली ये जो तुर्की का अटैक हुआ था ब्रिटिश के ऊपर, है ना, मतलब तुर्की की और ब्रिटिश की फाइट हो रही थी, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्या चाहिए था? सपोर्ट चाहिए था किसका? इंडियन मुस्लिम का वॉर के अंदर। सो द ब्रिटिश हैड अश्योर दैट, मतलब ब्रिटिश ने क्या उन लोगों को समझ में आ गया था, ऑब्वियसली अगर हम लोग उनसे सपोर्ट ले रहे हैं तो जो एक अश्योर दैट आफ्टर द एंड ऑफ वर्ल्ड, मतलब जब भी वॉर ख़त्म होंगी तो उसके बाद क्या होगा, जो खिलाफा एम्पायर है विल बी, हाँ मतलब जो ये मूवमेंट स्टार्ट होगा खिलाफा जो मूवमेंट है ना, जिसने अटैक किया तुर्की में, राइट, तुर्की वालों ने जो अटैक किया, तो ये जो मूवमेंट है तो इससे किसको हार्म पहुँचेगी? ब्रिटिश को ही हार्म पहुँचेंगी। बट आफ्टर एंड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इंग्लैंड डिड नॉट स्टिक टू इट्स अश्योरेंस, अ टाइड ऑफ ग्रेट डिसकंटेंट अराउज अमंग द मुस्लिम। यस, लेकिन ये सब होने के बाद मुस्लिम में और ब्रिटिश में एक बहुत बड़ा डिसकंटेंट अराइज हो गया था। ओके, द मूवमेंट इज स्टार्टेड बाय द इंडियन मुस्लिम टू सपोर्ट द खलीफा वॉज कॉल्ड खिलाफत मूवमेंट। यस, अभी ये मूवमेंट में क्या हुआ है, देखो जो सपोर्ट था मुस्लिम का वो किसके लिए गया, और मतलब देखा जाए तो कम्युनिटी वाइज एंड रिलीजन वाइज उन्होंने किसको सपोर्ट किया, जो खलीफा मूवमेंट था उसको सपोर्ट किया, राइट, मतलब जो इंडियन पीपल थे उन्होंने क्या स्टार्ट किया, सपोर्ट करना स्टार्ट किया खलीफा को, एंड वॉज कॉल्ड खिलाफत मूवमेंट। ओके, और फिर वो मूवमेंट को क्या नेम दिया गया, खिलाफत मूवमेंट दिया गया। ओके, गांधी जी थॉट दैट ऑन दिस प्रॉब्लम इफ द हिंदूज एंड मुस्लिम केम टूगेदर एंड स्टार्ट अ नेशनल मूवमेंट देन द गवर्नमेंट कैन श्योरली बी ब्रॉट टू इट्स एंड्स। देयरफॉर गांधी जी सपोर्टेड द खिलाफत मूवमेंट। The Khilafat Committee accepted Gandhiji's proposal of following non-cooperation to the government. Hindu-Muslim unity was seen especially during this moment. Yes. अब देखो ये टाइम पे अगर चाहते थे तो हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी के बीच में भी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकते थे, लेकिन वो मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करने के लिए गांधी जी ने क्या किया, मतलब उसका सोल्यूशन निकाला। गांधी जी सपोर्टेड, उन्होंने जो खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुआ था एट दैट टाइम तो उन्होंने उसको सपोर्ट किया था खिलाफत मूवमेंट को। ओके, एंड द खिलाफत कमेटी एक्सेप्टेड गांधी जी प्रपोजल, और उन्होंने गांधी जी का प्रपोजल एक्सेप्ट किया और हिंदू मुस्लिम की यूनिटी बनी रही स्पेशली वो पर्टिकुलर टाइम में। ओके, नाउ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। द कंसेप्ट बिहाइंड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज दैट द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया इज डिपेंडेंट ओनली ऑन द कॉपरेशन ऑफ द इंडियंस। यस, अब ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है ना, तो इसका मेन जो कंसेप्ट था वो क्या था, देखो जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, ऑब्वियसली ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे पर रूल कर रही थी एट द टाइम, तो वो टोटली किसके ऊपर डिपेंडेंट थी, वो रूल क्यों कर पा रही, क्योंकि हम उसको करने दे रहे हैं ना, अगर हम लोग वो टाइम पर बहुत ज़्यादा उन लोगों को अगर इंटर ही नहीं होने दिए होते हमारी कंट्री में, तो वो लोग हमारे पर रूल नहीं कर पाते थे, लेकिन अगर चलो वो हमारे पर रूल कर रही है तो वो टोटली किसके ऊपर डिपेंडेंट है, मतलब किसके कॉपरेशन के ऊपर डिपेंडेंट है, इंडियंस के, मतलब हर एक चीज़ में इंडियन का क्या इन्वॉल्वमेंट है। इफ़ द इंडियंस अडॉप्टेड कम्प्लीट नॉन कॉपरेशन देन द ब्रिटिश गवर्नमेंट विल कम्प्लीटली कोलैप्स। यस, ऑब्वियसली अब अगर पूरे जो पूरे हमारे कंट्री में जितने भी इंडियंस है, अगर वो ये जो एक्ट ये जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, राइट, अगर ये फॉलो कर रहे हम लोग, अडॉप्ट कर रहे कम्प्लीटली, तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारी कंट्री में चल रहा था वो टोटली क्या हो जाता, कोलैप्स हो जाता, खत्म हो जाता, फिनिश हो जाता, बर्बाद हो जाता, राइट, डिस्ट्रॉय हो जाता है। सो विद दिस इंटेंशन ही इवोक द पीपल ऑफ इंडिया टू टेक पार्ट इन दिस मूवमेंट। यस, फिर इसी की वजह से जो पीपल्स हैं इंडिया के, वो क्या कर रहे थे, ये मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे थे। इन 1920 द इंडियन नेशनल कांग्रेस सेक्शन वॉज हेल्ड एट नागपुर। यस, अब देखो 1920 में क्या हुआ था, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन रखा गया था, राइट, कहाँ पर, नागपुर में। सो द रिजोल्यूशन ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पुट फोर्थ बाय द चित्तरंजन दास वॉज एक्सेप्टेड। यस, अब ये जो जो नेशनल कांग्रेस का सेशन रखा गया था नागपुर में, तो वहाँ पे क्या था, जो रिजोल्यूशन था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का, राइट, तो वो एक्सेप्ट कर दिया गया था किसके थ्रू, बाय चित्तरंजन दास के थ्रू। ऑल रीच
ऑल रीच ऑफ द मूवमेंट वी आर गिवन इन द हैंड ऑफ महात्मा गांधी. अब जितने भी रीच थे तो वो मूवमेंट में राइट, तो वो किसके हैंड ओवर कर दिए गए थे, महात्मा गांधी के अंडर में उसको रख दिया गया था, मतलब महात्मा गांधी के हवाले कर दिया गया था वो सारी रीजन्स को. अकॉर्डिंग टू दिस रिजोल्यूशन अ प्रोग्राम वॉज फ्रेम टू बॉयकॉट गवर्नमेंट ऑफिसर्स, कोर्ट्स, फॉरेन गुड्स, गवर्नमेंट स्कूल एंड कॉलेजेस. अब देखो यही मतलब मतलब ये वाला नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को करते फॉलो करते हुए उन लोगों ने क्या किया, अकॉर्डिंग टू दिस रेजोल्यूशन अ प्रोग्राम वॉज फ्रेम, उन लोगों ने एक प्रोग्राम फ्रेम किया जिसमें उन लोगों ने क्या किया, बॉयकॉट कर दिया. मतलब बॉयकॉट करना मतलब वो चीज़ों को यूज़ नहीं करना. ओके मतलब जो बाहर की चीज़ है, जैसे अभी ब्रिटिश लोगों ने जो भी ऑफिस जो उनके ऑफिसेस थे, फिर उनके जो कोर्ट्स थे, फिर जो फॉरेन गुड्स थे, फिर जो भी उनके गवर्नमेंट स्कूल और कॉलेजेस थे, तो उसके ऊपर बॉयकॉट लगा दिया गया था. ओके यस, सो जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे, कोर्ट्स और फॉरेन गुड्स और गवर्नमेंट स्कूल थे, वो सबके ऊपर बॉयकॉट लगा दिया गया था. ओके नाउ नेक्स्ट वन इज प्रोग्रेस ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. अब जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया गया था राइट, तो उसमें कितना प्रोग्रेस आया था. ऑन द बैकग्राउंड ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट मेनी इमिनेंट लॉयर लाइक मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास एक्सेट्रा बॉयकॉटेड द कोर्ट बाय गिविंग अप देयर प्रैक्टिस. यस, अब देखो उसका प्रोग्रेस कैसे हुआ था. मतलब ये जब मूवमेंट चल रहा था है ना, तो वो टाइम पे जो भी लॉयर्स थे राइट, लाइक मोतीलाल नेहरू, फिर चित्तरंजन दास और ऐसे बहुत सारे जो लॉयर्स थे, उन लोगों ने भी बॉयकॉट कर दिया था कोर्ट में उनकी प्रैक्टिस करना. सो ड्यूरिंग दिस पीरियड विद द बॉयकॉट ऑफ स्कूल कॉलेजेस द स्कीम ऑफ नेशनल एजुकेशन वॉज डन. यस, अब जब देखे स्कूल और कॉलेजेस को भी बॉयकॉट कर दिया गया था ब्रिटिश के, तो वो टाइम पे कौन सी स्कीम स्टार्ट हुई थी, द स्कीम ऑफ नेशनल एजुकेशन ये स्टार्ट की गई थी. मेनी नेशनल स्कूल कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज वर एस्टैब्लिश. यस, सो एट दैट टाइम बहुत सारी स्कूल जो नेशनल स्कूल थी, कॉलेजेस थी और यूनिवर्सिटीज थी, वो इस्टेब्लिश की गई थी मतलब ये मूवमेंट के टाइम पर. ओके देयर वॉज बॉयकॉट ऑफ कमिंग इलेक्शन, बॉयकॉट एंड बॉनफायर ऑफ फॉरेन क्लोथ. यस, मतलब अब देखो कितनी सारी चीज़ों के ऊपर बॉयकॉट लगा दिया, प्लस जो इलेक्शन होने वाले थे राइट, जो इलेक्शन होने वाले थे वो टाइम पर, तो उसको भी क्या कर दिया गया था, बॉयकॉट कर दिया गया था. प्लस जो फॉरेन क्लोथ थे उसको भी बॉयकॉट कर दिया गया था. ड्यू टू दिस द इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन क्लोथ डिक्रीज. अब इसी की वजह से जब फॉरेन, ऑब्वियसली अगर फॉरेन से हमारी कंट्री में कोई मटेरियल आ रहा है, कोई क्लोथ आ रहा है, अगर उसका वो सेल नहीं हो पा रहा है ना, तो वो इम्पोर्ट भी नहीं होगा फिर हमारी कंट्री में, वो भी क्या हो जाएगा, कम होने लग जाएगा. मतलब वो हमारी कंट्री में आना भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना, डिक्रीज हो जाएगा. तो वैसे ही जब वो जो फॉरेन क्लोथ के ऊपर बॉयकॉट लगा दिया गया, बॉयकॉट करने लगे वहाँ इंडिया के लोग फॉरेन क्लोथ के ऊपर, तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो इम्पोर्ट होते थे, जो क्लोथ इम्पोर्ट होते थे फॉरेन कंट्रीज से, तो वो भी डिक्रीज हो गए थे. इन 1921 ड्यूरिंग द विजिट ऑफ प्रिंस ऑफ वेल्स ही वॉज वेलकम बाय ऑर्गेनाइजिंग हड़ताल. यस, अब देखो जब 1921 में जो प्रिंस थे, प्रिंस ऑफ वेल्स, वो जब आए थे हमारी कंट्री में विजिट करने के लिए, तो उनका जो वेलकम किया गया था, तो वो कैसे किया गया था, हड़ताल को ऑर्गेनाइज करके उनका वेलकम किया गया था. लोनली रोड्स एंड क्लोज शॉप वेलकम द प्रिंस. मतलब जो खाली रोड थे, फिर सारी जो शॉप्स थी वो क्लोज कर दी गई थी, इस तरीके से उनका वेलकम किया गया था. द मूवमेंट स्प्रेड फ्रॉम द प्लांटर इन आसाम टू रेल वर्कर्स इन बंगाल. यस, अब देखो ये मूवमेंट से क्या स्प्रेड हुआ था, दैट द फ्रॉम द प्लांटर इन आसाम टू रेल वर्कर, मतलब प्लांटर से जो आसाम थे प्लांटर्स के, वहाँ से लेके जो रेल वर्कर्स हैं बंगाल्स के भाई, एंड टू ब्रिंग द मूवमेंट अंडर कंट्रोल द ब्रिटिश गवर्नमेंट अंडर टू सब्रेशन मेजर. या ऑब्वियसली अब ये सारी चीज़ों को क्या करना था, ब्रिटिश गवर्नमेंट को अंडरटेक करना था, कंट्रोल करना था. मतलब उन्होंने बहुत सारे ऐसे मेजर्स लिए जिससे वो ये सारे ये मूवमेंट को क्या कर सके, अंडरटेक कर सके, रोक सके. सो इन फेब्रुवरी 1922 द पुलिस ओपन फायर ऑन अ पीसफुल पोजिशन एट चौरी चौरा इन गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश. यस, अब देखो उन्होंने यहाँ पर भी, जैसे अभी हम लोग ने लास्ट जो पढ़ा था राइट, दिस वन है ना, जलियन वाला बाग में कैसे मतलब ओपन फायरिंग करवा दिया था जनरल ने, तो वैसे यहाँ पर भी क्या हुआ था, जो ये मूवमेंट को स्टॉप करने के लिए फरवरी में 1922 में जो पुलिस थे,
द पुलिस ओपन फायर ऑन द पीसफुल प्रोसेशन, मतलब जो चौरी चौरा जो गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट यूपी में, गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में जो एक एरिया है राइट, तो वहाँ पर पीसफुल, अभी पूरा जो एरिया था वो पीसफुल था, लेकिन वहाँ पे ओपनली क्या कर दी गई थी, फायरिंग कर दी गई थी। द पीपल वेयर एंग्री एंड सेट फायर टू द पुलिस स्टेशन इन विच अलॉन्ग विथ वन ऑफिसर्स 22 पुलिस मैन वेयर किल्ड। यस, अब ये जो पीपल थे वो क्या हो गए थे, गुस्से हो गए थे ये सारी हरकतों से, तो उन लोगों ने भी क्या किया, दे ऑल्सो फायर ऑन पुलिस स्टेशन, उन लोगों ने भी पुलिस स्टेशन के ऊपर फायर किया, जिससे जिसकी वजह से क्या हुआ, एक ऑफिसर और 22 पुलिस मैन किल हो गए थे। एंड ड्यू टू दिस इंसिडेंट गांधी जी वॉज हर्ट। ऑब्वियसली गांधी जो थे वो नॉन वायलेंस के पाथ पे चलते थे ना,